सभी अम्बाला वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप दिवाली प्रदूषण रहित मनाएं। पहले ही कहना चाहती हूँ कि दिवाली आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ दिए जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, स्वीट्स देते हैं, ठीक है, पटाखे जलाइए, पटाखे जलाते हैं उससे आपका एंजॉयमेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन होता है जो कि कुछ एनिमल्स को हार्म करता है, या कुछ ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो अच्छा है कि पटाखों का इस्तेमाल कम करें, मिठाइयाँ बाँटें, दोस्तों के साथ बैठें, प्यार मोहब्बत बाँटें। जैसे आप जानते हैं दिवाली रोशनी और प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखें। मैं एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों को देना चाहूँगा जो बच्चे अपने हाथ में बम रखकर बजाते हैं। देखो, हाथ में बम रखकर बजाना कोई बहादुरी नहीं है, इससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें विचलित कर रहे हैं, या अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बार आप जो दिवाली मनाएं वो पॉल्यूशन फ्री मनाएं, और जितने हो सके मिट्टी के दिए जलाएं, ताकि जो गरीब है उसके घर की भी दिवाली हो सके। वो एक प्रतीक था कि रोशनी का अंधकार के ऊपर जीत, एक अच्छाइयों का बुराइयों के ऊपर जीत। तो अच्छे विचार पालें, बुरे विचारों को दूर करें। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट्स नॉट अ फेस्टिवल ऑफ पॉल्यूशन। अपने हाथ में बम रखकर ना बजाएं, उसे दूर से बजाएं, और अपने साथ अपने पेरेंट्स को रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना। जो दिवाली नहीं मना सकते आप उनको दीजिए, उनके साथ मिठाइयाँ बांटे, इससे आपको तो खुशी होगी, साथ साथ उन्हें भी खुशी मिलेगी। सो भगवान राम भी यही कहते थे, ठीक है ना, खुशी जब वो आए तो हमने खुशियाँ मनाई थी, दिए जलाए थे, सब कुछ किया था, तो फिर आपको वही खुशियाँ सबके साथ बांटनी चाहिए। और अच्छी दिवाली अपने फैमिली अपने दोस्तों के साथ बिताएं। Wish you all a very joyful and safe Diwali. Happy Diwali to all.